बोलो यीशु मसीह की जय। वो जिंदा परमेश्वर है, इसलिए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद दें आज का दिन के लिए, सुंदर सुबह के लिए। उस महान परमेश्वर को धन्यवाद हो और आज के दिन के लिए उस प्रभु को धन्यवाद दें और आज के सुंदर सुबह के लिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। और मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष रहें, हमेशा फलवंत रहें हमारे वचनों को सुनकर, और परमेश्वर के बहुत ऐसे आपको ब्लेसिंग मिले। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। हर बुधवार शाम 8 बजे लाइव जरूर जुड़ा करें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत से अद्भुत कार्य करें और आप आशीष होने पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज हम जानेंगे 10 आज्ञा के बारे में। अगर डिटेल में जाएं तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन अपने शॉर्ट में इसको लेंगे, जानेंगे 10 आज्ञा के बारे में। क्योंकि सीनै पर्वत पर जो मूसा को दी थी परमेश्वर ने, और जो सबसे मुख्य आज्ञाएं थी ये पुराने नियम की सबसे मुख्य आज्ञाएं। हालेलुया। आज हम उन आज्ञाओं के बारे में जानेंगे। निर्गमन 20 अध्याय हम पढ़ सकते हैं। पहली आज्ञा जो परमेश्वर की आज्ञा है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। पहली आज्ञा है तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। और जिंदा परमेश्वर जो स्वर्ग से आया है, जो स्वर्ग में है, वो जिंदा परमेश्वर की हमें हमेशा महिमा, हमेशा स्तुति, हमेशा प्रशंसा करते रहना चाहिए। हम परमेश्वर को छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना हमें, लेकिन वो परमेश्वर जो स्वर्ग से आया है और स्वर्ग से उतरा था, हालेलुया, वही परमेश्वर आज हमसे बात करते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर स्वर्ग से आया और आज भी स्वर्ग में है। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। वो हाथ से बनाया हुआ परमेश्वर नहीं है, बल्कि स्वर्ग से आया परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है, पहली आज्ञा तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। अगर एक एक डिटेल में जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। आपको पता है हम शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, इसलिए शॉर्ट समझा रहा हूँ। दूसरी आज्ञा तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद ही उस चीज़ को बनाते हैं और खुद ही उस चीज़ को पूजते हैं, बल्कि वह परमेश्वर का जिसको एक इंसान ने बना दिया हो। परमेश्वर वो है जिसने इंसान को बनाया, बल्कि इंसान परमेश्वर को बना रहे हैं तो गलत बात है। इस बात की आप गहराई में आप जाएं, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। तीसरा, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि परमेश्वर का नाम को व्यर्थ लेते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि तू मेरे नाम को व्यर्थ मत लेना। कुछ लोग कसम खा जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह की कसम हमारे साथ ऐसा हो गया, प्रभु की कसम ऐसा हो गया, सच में ऐसा हो गया, बाइबल की झूठी कसम खा जाते हैं, तो प्रभु का नाम व्यर्थ मत लें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम व्यर्थ ना ले। कुछ लोग ऐसे कह रहे कि प्रभु के नाम को व्यर्थ इस्तेमाल करते हैं, तो परमेश्वर ने साफ साफ इन बातों को कह रखा है कि परमेश्वर का नाम कभी भी आप लोग व्यर्थ में ना लें। हालेलुया। चौथी आ गया तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। बहुत से लोग हैं जो कि प्रभु में जब पुराने हो जाते हैं तो विश्राम दिन का आदर करना भूल जाते हैं। वो ये कहते हैं कि नहीं, हमारा तो परमेश्वर खुद का हो गया, हमने तो खरीद लिया परमेश्वर को। बल्कि परमेश्वर ने हमें खरीदा अपने लहू के द्वारा, अपने कोड़े खाने से, अपनी जान को देकर। हालेलुया। हमने परमेश्वर को नहीं खरीदा, बल्कि परमेश्वर ने हमें खरीदा है। इसलिए इस बात की हमेशा दिमाग में रखें कि तू विश्राम दिन को पवित्र करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। मतलब रविवार का आप आदर किया करें, हर संडे को चर्च में जाया करें। जो पहला था विश्राम दिन, मतलब उसको शनिवार कहा जाता था, लेकिन आपको पता है कि शुरुआत मंडे से नहीं होती है, शुरुआत संडे से होती है हफ्ते की। इसलिए पहले लोग शनिवार को आराधना करते थे, कुछ लोग अब भी आराधना करते हैं शनिवार को, लेकिन हम रविवार को आराधना करते हैं। इसलिए विश्राम दिन रविवार को आप जरूर प्रभु के भवन में आया करें ताकि परमेश्वर आपको बहुताई से ब्लेसिंग दे सके। पांचवा है तू अपने माता पिता और अपनी माता का आदर करना। मतलब ये तो आजकल के टाइम में लोग भूल गए हैं कि पिता का आदर करना है कि माता का आदर करना है, उन्हें पता ही नहीं है। ये देखिए कि परमेश्वर जिसने स्वर, आकाश, चंद्रमा, धरती, तारागण, सूरज, आकाश बनाया, उसमें सिर्फ 10 आज्ञा निकाली, सिर्फ 10 आज्ञा,
सिर्फ 10 आज्ञा, 100 आज्ञा होती तो भी हमें माननी पड़ती, 20 आज्ञा होती तो भी माननी पड़ती, 1000 आज्ञा होती तो भी माननी पड़ती, सिर्फ 10 आज्ञा। उसमें से उस परमेश्वर ने, जो स्वर्ग का परमेश्वर है, उसने एक आज्ञा बनाई है कि अपने पिता और माता का आदर करना। हालेलुया। अब आप समझे कि उस परमेश्वर जब हम ये कह रहे हैं कि अपने माता पिता का आदर करना, तो आप लोग क्यों नहीं करते हो इस बात की गहराई को समझे कि माता पिता का आदर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी क्यों है कि 10 आज्ञा में आप पढ़ सकते हैं। समझ रहे मेरी इस बात को कि परमेश्वर जो दुनिया को बनाने वाला, तारागण बनाने वाला, सब कुछ बनाने वाला जो परमेश्वर है, उस परमेश्वर ने अपनी 10 आज्ञा में एक आज्ञा ये डाल दी कि अपने माता पिता का आदर करना। इसका मतलब माता पिता का महत्व बहुत ऊंचा है। हालेलुया। और छठी है तो खून ना करना। आजकल आपको पता है लड़ाई झगड़ा होता है, एक दूसरे को गोली मार देते हैं, तलवार से काट देते हैं, पता चला खून मत करना। कभी भी खून मत करना। हालेलुया। सातवां, तू व्यभिचार न करना। और आजकल की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो व्यभिचार में जा रही है। हाँ, पाप हो जाते हैं, गलतियां हो जाती है, लेकिन हमें क्षमा मांगना है। अगर आपसे भूल चुक होगी, प्रभु के सामने घुटने घोटे के और क्षमा मांगे प्रभु से, कहें प्रभु जी मुझसे पाप हो गया है, मुझसे ये गलती हो गई थी, आज के बाद मैं कभी वैसा पाप नहीं करूंगा, उसके बाद आप फिर से पवित्रता में चलें। अगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरी आंखों में अभी, जिनके बारे में सोच रहा हूँ, ऐसे लोग हैं कि आज 6 महीने उसके साथ व्यभिचार कर लिया, 1 साल उसके साथ व्यभिचार कर लिया, फिर 4 महीने उसके साथ रह लिया, फिर 1 साल उसके साथ रह लिया, फिर उसको ब्लॉक कर दिया, फिर उसको ब्लॉक कर दिया, फिर उसके साथ ऐसा कर लिया। मतलब व्यभिचार और सिर्फ व्यभिचार, मतलब लोगों का इस्तेमाल करना जो आजकल के युवा करते हैं, उसका इस्तेमाल किया, उसका इस्तेमाल किया, तो ये सब चल रहा है। सख्त आज्ञा है परमेश्वर की, व्यभिचार मत करना। बार बार आप लोग पाप करते हो, इसलिए व्यभिचार से बाहर निकलें, क्योंकि ये परमेश्वर की 10 आज्ञा है कि व्यभिचार मत करना। आठवां, तू चोरी ना करना। बहुत से लोग हैं जो कि चोरी करते हैं। चोरी बहुत तरह की चोरी होती है। मान लो अगर आप कहीं किसके घर में हो, उनके टेबल पर कुछ पड़ा हुआ, मान लो पेन पड़ा हुआ है, आपके मन में आया कि पेन बहुत अच्छा है, इसको मैं अपनी जेब में डाल लेता हूँ, आपने उसको उठाने की कोशिश की, तो क्या हुआ कि आप उसको उठा नहीं पाए, लेकिन फिर भी वो चोरी माना जाएगा, क्योंकि आपके मन में पाप आ गया, आपके मन में चोरी आ गई, आपने चोरी को अंजाम नहीं दे पाए, लेकिन वो चोरी ही मानी जाएगी। इसलिए ये छोटी छोटी बातें आपको समझानी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि चोरी मत करना। ऐसे छोटे छोटे तरीके से बहुत लोग चोरी करते हैं, दुकान पे चोरी करते हैं, शोरूम पे चोरी करते हैं, अपने घर के में चोरी करते हैं, अपने घर के पैसों की चोरी कर लेते हैं, पिता की जेब से पैसों की चोरी कर लेते हैं, पत्नी अपने पति के पर्स में से चोरी कर लेती हैं, या पति अपनी पत्नी के पर्स में से पैसे चोरी कर लेते हैं, तो आजकल ये सिस्टम चल रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तू चोरी न करना। नौवां, तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि झूठी गवाही दे देते हैं, झूठी, हाँ हाँ मैंने भी देखा था, ऐसा हो रहा था, हाँ हाँ मैंने भी और देखा था, और उससे बड़ा मूर्ख मैं उस इंसान को समझता हूँ जो कि उस झूठे की बात को यकीन कर लेता है। मान लो 2 व्यक्ति हैं, उसने उसके बारे में ऐसा बोला, हाँ हाँ मैंने देखा था, हाँ हाँ मैंने ऐसे किया था, वो अगला उसकी बात को हकीकत मान रहा है बिना अपनी आंखों से देखे, चाहे अगले ने कुछ किया ना हो। वचन कह रहा है तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न, मतलब गवाही मत देना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गवाही देते हैं, झूठी गवाही दे देते हैं, हाँ झूठी गवाही दे दी, झूठी गवाहियां। लेकिन नहीं, अपने काम से काम रखें, इन चीज में ना पड़े, झूठी गवाही कभी भी ना दे, कभी भी ना दे। और लास्ट आ गया है, तू लालच ना करना। बहुत से लोग हैं लालच करते हैं, किसका घर का लालच कर लिया, किसी की स्त्री का लालच कर लिया, किसी के पैसे का लालच कर लिया, किसका घर का लालच कर लिया, किसी का दूध का लालच कर लिया, किसका दूध ही बहुत आता है, और किसकी अच्छे धन दौलत का, घर का, मतलब लालच मत करना, किसी भी तरह का लालच मत करना। अगर आपके जीवन में ऐसा था कि आप लोग लालच करते थे, तो आज प्रभु के सामने अपने घुटनों को टेक के और प्रार्थना करें, कहें कि प्रभु जी मेरे पापा को क्षमा करो, मेरे पिता, और मेरे से गलती हुई थी मेरे पिता परमेश्वर, और निश्चय प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। और ये थी हमारी 10 आज्ञा। मैं आपको फिर से पढ़ के बता देता हूँ कि पहली, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना,
तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, तू अपने माता और पिता का आदर करना, तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू लालच न करना। सो ये आज्ञा है 10, इस पे थोड़ा ध्यान दे कि परमेश्वर का वचन आपको क्या कह रहा है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से।